एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज मैनुअल जेंस, वेलकम टू माय चैनल। एंड जो आज मैं वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा इटली के वर्क परमिट में, जो कि एक 9th मंथ वाले एक साल वाले पेपर जो अभी ओपन हुए हैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जो मैं ऑलरेडी वीडियो बनाता हूं या जो ऑलरेडी मेरे पास जो अवेलेबल होती है उसमें जो मेरे पास कंट्री है उसमें क्या डिपेंड करता है कि आपकी एजुकेशन सेम होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड काफ़ी चीज़ होती है, स्किल्ड जॉब होनी चाहिए, ठीक है। एंड जो आज की मैं वीडियो बनाऊंगा इटली में, इसमें एजुकेशन कम होगी तब भी चल जाएगा एंड आपका स्किल्ड नहीं होगा तब भी चल जाएगा, बट आपका एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो आज जॉब होगी वो होगी फार्म वर्कर के बारे में, या एग्रीकल्चर बोल दो या डेयरी फार्म बोल दो, जिसमें एजुकेशन की ज़्यादा नहीं जरूरत होती है, एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सभी के पास होता है, नहीं तो थोड़ा बहुत बंदा 6-7 महीने एक्सपीरियंस ले लेता, नहीं तो घर में सबके काम होता है, गाँव में जो रहते हैं तो वो देख देख के भी वो चीज़ें सीख लेते हैं, उसी के रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, इसके पेपर खुले हैं जो कि 26 नवंबर मतलब इसी मंथ 26 नवंबर तक भरे जाएंगे, उसके बाद 2 दिसंबर एंड 14 दिसंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर लकली आपका उसमें नंबर आ गया तो आपको इजीली मिल जाएगा, उसमें ज़्यादा एजुकेशन, ज़्यादा इंटरव्यू, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी जो कंट्री मैं करता हूँ उससे थोड़ा सा ये ईजी है, नंबर लग गया ठीक है, नहीं नंबर लगा तब भी ठीक है, आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये भी अपॉर्चुनिटी मेरे को बहुत लेट आई है, इसलिए मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद को कैसे अप्लाई करना, ठीक है, बिना किसी हेल्प के, ना मेरे जैसे एजेंट की जरूरत पड़े ना किसी और एजेंट की जरूरत पड़ी, आप खुद कैसे अप्लाई करना, आप अपने घर में बैठे बैठे अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में, ठीक है, आपने खुद कैसे अप्लाई करना पहले मैं वो बताऊंगा, एंड आफ्टर दैट मैं बताऊंगा जो मेरे पास अवेलेबिलिटी है। एंड स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूं, मैं जो भी काम करता हूं आफ्टर वीजा पेमेंट लेता हूं, मैं किसी तरह का भी आपका वीजा करूं मैं स्टार्टिंग में नहीं पेमेंट लेता, आफ्टर वीजा पेमेंट लेता, जब वीजा होगा तो आपसे लूंगा, नहीं होगा तो आपसे चार्ज नहीं लूंगा, बट उससे पहले आपके साथ मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा पेमेंट का, ठीक है, ताकि ना तो आपको परेशानी हो ना ही मुझे परेशानी हो, क्योंकि कभी कभी इस बिजनेस में ऐसे परेशानी, अगर एजेंट की तरफ से लोगों को परेशानी फेस करनी पड़ती तो कस्टमर की तरफ से हमें भी एज एजेंट प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, ठीक है। आफ्टर वीजा हम पेमेंट लेते हैं, ये सबसे हमारा बेस्ट चीज़ है कि लोगों को इसका बेनिफिट होता है एंड इजीली वो अप्लाई भी कर लेते हैं, क्योंकि उसमें नुकसान होने का उनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपने इटली में अप्लाई करना, पहले मैं बता रहा हूँ ये मेरा चैनल है, ठीक है, एंड मैंने 250-300 प्लस वीडियो बनाई हुई है, काफ़ी वीडियो इसमें बनी हुई है, आप चेक कर सकते हो। अगर मेरी सिर्फ आपने वीडियो देख ली ना या मेरा चैनल देख लिया, काफ़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो होगी, उसको ही फॉलो कर लिए तो आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड कहीं से आपको धोखा भी मिलेगा, ठीक है। तो इस चैनल को जरूर कंसिडर करें, इसमें बहुत सारी वीडियो उसको जरूर देखें। आफ्टर दैट जो आपने इटली का वर्क परमिट लगाना, उसकी जो खुद अपने अप्लाई करना उसमें, ये उसकी वेबसाइट है portalservice.dlci, ये आपने पढ़ लेना, क्योंकि इनकी इटालियन में लैंग्वेज है तो ये मुझे इतनी समझ नहीं आएगी, मैं प्रनाउंस भी गलत कर पाऊंगा फिर आप गलत कमेंट करोगे, ठीक है, इससे अच्छा कि आप पढ़ ही लेना। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको करना पड़ेगा एंटर विद SPID, ठीक है, SPID बनानी पड़ेगी। SPID क्या, 2-3 चीज़ें इसमें जरूरी है अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ना किसी कंपनी से आपको किसी ना किसी फर्म से डेयरी से एग्रीकल्चर जो कंपनी बनी होती है फर्म बने होते उससे आपका जॉब ऑफर लेटर आपको मिलना चाहिए, किसी भी इंप्लॉय से आपका जॉब ऑफर होना चाहिए। जब जॉब ऑफर हो जाएगा उसके बाद आपने SPID बना के, ये वाली SPID जो रिक्वायरमेंट है ये बना के उसके बाद अप्लाई करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पहले आपको बताऊंगा SPID कहाँ से बनेगी, ठीक है। SPID जो बनाओगे इसी वेबसाइट में पहली बात तो बन जाएगी, स्क्रॉल करोगे सबसे नीचे भी पता चल जाएगा, इधर नहीं आएगा कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे मोर इन्फॉर्मेशन ऑन SPID या करके डोंट हैव SPID तो क्लिक करके आप उसमें पहुंचना, बट मैं आपको इजी तरीका बताऊंगा SPID कहाँ से बनानी है, जो क्योंकि हम इंडिया से अप्लाई करें तो ये चीज़, ये वेबसाइट है postid.post.it, इटली वाली वेबसाइट है, इसमें जाके आप रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है, यहाँ से रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करने के बाद आपको SPID बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद आप उसमें वेबसाइट में, ये वाली वेबसाइट में जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पहले तो एक पोस्टी इटालियन वाली वेबसाइट है, एक दूसरी है जो वेबसाइट है अरूबा इटली वाली, है ना, aruba.it, इसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें अप्लाई करोगे SPID को करोगे तो इसमें 19.90 प्लस वैट आपको लगेगा SPID जब आप अप्लाई करोगे, ठीक है। SPID 19 मतलब मान लो 2000 का खर्चा आएगा अगर आप SPID यहाँ से आप बनाओगे तो, ठीक है, तो मान लो लगभग इतना ही बनेगा, 2000 के करीब आपको खर्चा आएगा। अगर आप पोस्टी इटालियन में अप्लाई करोगे तो इसमें फ्री है, इसमें रजिस्ट्रेशन में कर लेना, रजिस्टर नाउ, अगर आप रजिस्टर नाउ करोगे तो आपको फ्री वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपको फ्री क्रेडेंशियल मोबाइल SMS, ठीक है, मोबाइल में SMS आ जाएगा OTP के थ्रू, वहाँ से फ्री बना सकते हैं, ये फ्री वाला है। इधर जाके आपको थोड़ा सा पे करना पड़ेगा, मतलब 20 यूरो या थोड़ा सा 21-22 यूरो,
मतलब 2000 आपका खर्च आएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये बन जाएगा एंड आपके पास कंपनी की किसी ना किसी कंपनी की ऑफर लेटर होगी, जो कि उसके बाद आपने ये वाली वेबसाइट में आके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये वाली वेबसाइट में आके अप्लाई कर दो, आराम से हो गया। एंटर विद एसपी आईडी कर लेना, आपको सारे ऑप्शन आते जाएंगे, ठीक है। अभी मैं जो मेरी वाली थी उसमें नहीं मैं करके दूंगा क्योंकि सिक्योरिटी वाला इशू होता, बट आप उधर जाकर कर लेना। आज मैं बताऊंगा कि आपको जॉब कैसे ढूंढनी है, ये तो आपको बता रही जो मेन चीज़ इसमें रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद जॉब आपने कैसे ढूंढनी है, इटली की कंपनी कैसे ढूंढनी है, वहाँ पर जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। जैसे मैंने ये वाला आप मेरा देखोगे इसमें लिखा हुआ है एग्रीकल्चर कंपनी इटली, मतलब इटली में जो भी एग्रीकल्चर कंपनी होगी उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। जब ये वाला कीवर्ड डालोगे गूगल में तो आपको इटली वाली सारी कंपनी मिल जाएगी, ठीक है। ये सारी इटली की कंपनी है, इसको चेक कर लेना, अकेले को जाकर खोल लेना तो आपको उसका रिजल्ट आएगा। नहीं है, मतलब नहीं आने वाले तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं खुद रिजल्ट लेता हूँ, मैं भी ऐसे करता हूँ, वो रिजल्ट भी ऐसे करते हैं, तो इसमें रिजल्ट जो आएगा, ठीक है। एक तो वाल फार्म है, वाल फार्म को खोल लेना, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मैं छोटी कंपनी में नहीं अप्लाई करूँगा क्योंकि छोटी कंपनी में मुझे रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि जिस मैं हमेशा पहले देखता हूँ गूगल रिव्यू किस में जा रहे हैं, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 2 आधे 3 है, ये वाली चीज़ में नहीं मेरे को करना, मैं ये वाली में जरूर करूँगा क्योंकि इसमें 142 गूगल रिव्यू है, 142 गूगल रिव्यू का मतलब 142 लोगों ने इसका रिव्यू डाला हुआ, ठीक है। तो 5 स्टार और बाकी सारे स्टार ये भी हुए, इसको चेक करना, ऐसे एक्सप्लोर जरूर करना, फिर उसके बाद अपने इनों की वेबसाइट में जाना, ठीक है। वही चीज़ें बता रहा हूँ जो हम काम करते हैं, ठीक है। ये वाली वेबसाइट है, इसको अच्छे से एक्सप्लोर करना, कॉन्टैक्ट करना, तो ये सारी कंपनी है, ठीक है। इसको एक्सप्लोर जरूर करना ताकि ऐसा ना हो कि किसी कंपनी ने ऐसी वेबसाइट बनाई हो तो आप जल्दी में उसमें अप्लाई कर ले, कॉन्टैक्ट कर ले, बाद में उधर से भी आपको एजेंट मिले, ऐसा ना हो। अच्छे से उसको एक्सप्लोर करना कि प्रॉपर कंपनी हो, कंपनी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कंपनी सही होगी उसके बाद अप्लाई करो तो आपको बेनिफिट है, ठीक है। उसके बाद आप वाई चूजर में करोगे या कॉन्टैक्टर्स में करोगे, कॉन्टैक्टर्स में करोगे तो उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल सारी आ जाएगी, जैसे ठीक है। ये कंपनी की डिटेल आ गई, अगर आप एलिजिबल हो, आपको मतलब टमाटो का काफ़ी चीज़ें पता है, आपने खुद उसकी किया हुआ, ठीक है, एग्रीकल्चर में काम किया, तो उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, अपना CV कवर नोट अच्छे से बता सकते हो, या अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, सरनेम लिख के यहाँ पर अच्छे से एक अच्छा सा प्रोफाइल बना के भेज सकते हो, सेंड, आपका कॉन्टैक्ट हो जाएगा उनसे, एंड अगर उनको रिक्वायरमेंट होगी डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। बट आपको पता है जब हम ऐसा वेबसाइट ढूंढते हैं, जरूरी नहीं कि ये सही वेबसाइट हो, तो उसको एक्सप्लोर करना जरूरी है, ठीक है। आप सबसे लास्ट में जाओगे, इनके सोशल मीडिया हैंडल है, इसको जरूर चेक करें, सोशल मीडिया हैंडल से पता चल जाता है कि कंपनी एक्टिव है कि नहीं। जैसा अभी इनका फेसबुक खोला तो ये भी अच्छा है क्योंकि 13,000 इनके लाइक है, 14,000 इनके फॉलोअर है, जो पेज इतना बड़ा है इसका मतलब कंपनी प्रॉपर सही है, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल भी सेम है, मैंने ऑलरेडी मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूं बट ऑलरेडी मैंने चेक कर लिया क्योंकि वीडियो बनाने से पहले मैं चेक करता कोई गलती ना हो जाए ना, तो ये मैंने अपनी तरफ से चेक कर लिया, आप अपनी तरफ से चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद बाकी और भी सोशल मीडिया इनके लिंक होंगे, जैसे इंस्टाग्राम में इनका लिंक, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं, सही है कंपनी, तो कोई भी कंपनी होगी, एक अकेली वेबसाइट बना के नहीं बैठी होगी, बाकी सारी चीज़ें भी होंगी, तो ये सारा सही है, ठीक है। इनके 4249 इनके फॉलोअर है ना, फॉलो इन्होंने किया, 298 इन्होंने पोस्ट डाली है, तो कोई भी बंदा इतने ऐसी थोड़ी पोस्ट डाल देगा, प्रॉपर कंपनी है, ठीक है, कंपनी के बारे सारा चिंता, इसको भी चेक कर लेना। उसके बाद इनका लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर चेक करना, क्योंकि लिंक्डइन जैसे हम फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं ना, इसी तरह जो लिंक्डइन प्रोफाइल होती है ये प्रोफेशनल का एक सोशल मीडिया होता है, इसमें सारी चीज़ पता चल जाती है, इसमें कितने इंप्लॉय हैं, कितने इंप्लॉय यहाँ पर इस कंपनी में काम करते हैं, काफ़ी चीज़ें इसका रियलिटी पता चल जाती है। मान लो ये 42 इंप्लॉयज़ है इनके, अगर ये करोगे तो फिर मैं करो बीच में जाना पड़ेगा, ये मैं करूँगा नहीं, अभी दूसरी काम ढूंढ लेते, तो सफेद ये सारा चीज़ का पढ़ लेना, ठीक है। इनकी वेबसाइट वही जो हमने खोल के बैठे हैं वही इनकी वेबसाइट है, फार्मिंग है, कंपनी शायद 201 से 500 इम्प्लॉई है इनके, हेडक्वार्टर टाइप प्राइवेट लिमिटेड है, 2016 में ये फॉर्म हुई थी, ठीक है। उसके बाद कंपनी का एड्रेस, उसके बाद इम्प्लॉई एट सफीरा एग्रीकोला, मतलब ये कंपनी में जो जो इम्प्लॉयज़ है उनकी लिस्ट आ गई थी, सी ऑल में करोगे इम्प्लॉयज़ में फिर आपकी आईडी बननी पड़ेगी, फिर सारे इम्प्लॉयज़ दिख जाएंगे, नहीं तो चार पाँच को भी जरूर चेक लें, तो ताकि आपको क्रॉस वेरिफिकेशन होगी कंपनी प्रॉपर सही है, अगर कंपनी सही है तो फिर उसमें प्लान अप्लाई करने का बेनिफिट है, एंड वो उसमें आपको कोई धोखा नहीं होगा। मान लो ये जैसे लुका है ना, लुका सर की प्रोफाइल देखेंगे तो इसमें इन्होंने इनके 822 फॉलोअर हैं, 20 साल का इनका एक्सपीरियंस है, ये पढ़ लो, एंड जहाँ जहाँ इन्होंने काम किया उसमें लिखा हुआ है, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव पैलेस फिर अभी जो कंपनी है उसमें काम कर रहे हैं, एडवाइजरी फिंडा स्पा में काम किया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CV लैब में काम किया, ठीक है। ये सारा चीज़, ये कोई भी एजेंट इतनी सारी गहराई में चीज़ें नहीं बताएगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ,
क्योंकि मेरा काम है, मैंने सारा कुछ बताना, जिसने मेरे से काम कराना वो उन्होंने करा ही लेना, जिन्होंने नहीं कराना उनको जितना मर्जी बताते रहे कोई नहीं करे, कम से कम वो खुद तो अप्लाई कर ले, इसलिए ये मैं बता रहा हूँ। तो जो मैंने रिसर्च की ये कंपनी सही है, ठीक है, इसमें आप चेक कर सकते हो, इसको कॉपी कर लेना एंड गूगल में सर्च करना हु इज आ गया, हु इज में पता चल जाता कंपनी कब से रजिस्टर्ड है, इसका डोमेन नेम कब से रजिस्टर्ड है, तो ये चीज़ ढूंढ लो। जैसा ये इनका उसके बाद क्रिएटेड 2018 में, मतलब 2016 में कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी, 2018 में इन्होंने वेबसाइट बनाई, ठीक है, ये सारा चीज़ चेक कर लो। जैसे होता है ना कभी कभी कई लोग होते ऑफर लेटर आपको पकड़ा लेते, बाद में कंपनी इंडिया की निकलती है, वो चीज़ नहीं है, ठीक है, उधर की कंपनी है, प्रॉपर आपको मिल रहा है, तो काफ़ी यही जो मैं पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ, अपने कस्टमर के लिए ढूंढता हूँ, यही पैटर्न मैं यूज़ करता हूँ काफ़ी चीज़ें, उसके बाद कंपनी को कॉन्टैक्ट करता हूँ, उसके बाद उनसे रिजल्ट लेता हूँ, बात करता हूँ, ये सारी डिटेल है, इतनी डेप्थ में कोई नहीं आपको बताएगा। तो एक और कंपनी को बता देता हूँ, जैसा अभी इसकी बताई, और भी कंपनी आपको बैक बैक करके बताता हूँ, काफ़ी चीज़ें आपको समझेगी, ठीक है। अभी जैसे हमने एग्रीकल्चर डाला हुआ ना, एग्रीकल्चर को हम करके इसको फार्म कर लेते हैं, यार फार्म अगर फार्म कर दिया उसके भी काफ़ी कंपनी आ गई, तो ये सारी चीज़ें ढूंढ लेना, ठीक है, देखो कितनी सारी कंपनी है, उसमें भी काफ़ी थी, इसमें भी काफ़ी है, 20-20 22 एक पेज में होती है, सभी को CV डालते रहना, अच्छे से एक्सप्लेन करते, ये हम देखेंगे क्योंकि इसमें ये ज़्यादा है, गूगल रिव्यू ज़्यादा है, जिसमें गूगल रिव्यू ज़्यादा मैं सिर्फ उसी को करता हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो, बट इसकी वेबसाइट नहीं दी हुई है इसलिए इसको हम कर ही नहीं सकते। एंड जो कंपनी की वेबसाइट भी नहीं होगी ना, वो भी कंपनी इतनी प्रोफेशनलिज्म नहीं होगी, ठीक है ना, तो हम दूसरा ढूंढ लेते हैं कोई, ये 36 के गूगल रिव्यू है, ये वाली देख लेते, तो इसको हम ढूंढ लेते हैं, इसकी वेबसाइट। जो मैं तरीका अपना रहा हूँ यही अपने कस्टमर के लिए भी करता हूँ, ठीक है, आप भी कर लेना, ठीक है, ये वेबसाइट है, इसको अच्छे से, ये भी फॉर्म वाली है, कोई मैगरीनी एग्रीकल्चर कंपनी है, इसको एक्सप्लोर करना सही होगा, इसमें क्लिक कर लेना, ठीक है, जो अच्छे से एक्सप्लोर करना सही लगेगा तो अप्लाई करना, अदरवाइज नहीं, पहले इनका सोशल मीडिया देख लेते हैं कि सोशल मीडिया कितना बड़ा है इनका, पता चल जाएगा। नहीं, ये सोशल मीडिया इनका छोटा है, तो ये नहीं हमने करना है, जिनका कुछ नहीं दिखेगा वो उसमें नहीं हमने करना, ना ही आपको एडवाइस करूँगा। 614 भी कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बट फिर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्टर्स में जाके अपना अच्छे से CV बना के, कवर नोट बना के, एक्सपीरियंस लेटर शो कर देना कि हमारा अपना खुद की खेती है, जहाँ किसी में काम करते हैं, ये सारा चीज़ अच्छे से बताना, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी, इस तरह मैं कंपनी ढूंढता हूँ, इसी हिसाब से मैं अप्लाई करता हूँ, ज़्यादा नहीं ढूंढ सकता क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी फिर कोई देखता नहीं, फिर मेरा भी रैंक बढ़ कम हो जाता है, ठीक है, तो ये देख लेना, इस तरह आपने कंपनी ढूंढनी है, इस तरह आपने अप्लाई करना है, एंड 26 नवंबर से पहले पहले अप्लाई कर लेना अगर आपका एक्सपीरियंस है, एंड SPID बना के अप्लाई कर लेना, वेबसाइट जो बताई उसमें चेक कर लेना, ये भी वेबसाइट है, इसको भी अच्छे से एक्सप्लोर कर लेना। कॉन्टैक्टर्स ठीक है, कॉन्टैक्टर्स ट्रेड, तो ये सारा चीज़ है, इसको कॉन्टैक्टर्स में करके आपने कर लेना, ठीक है। एंड फेसबुक में इनका देखूं, इनका से फेसबुक बड़ा है, मतलब इसको आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, इसमें ढूंढ सकते हो, जो देख लो इनके कितने सारे वो हैं। उसके बाद इंस्टाग्राम देखूं, तो ये 3486 पोस्ट डाले, तो बढ़िया है, ये भी कंपनी ठीक है, इसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हो। आई होप जो मैं बताना चाहता हूँ आपको समझ आया, कंपनी कैसे ढूंढनी है ये भी आपको मैंने बता दिया, एंड SPID कैसे बनानी है वो भी आपको मैंने बता दिया, एंड कहाँ जाकर आपने अप्लाई करना वो भी आपको बता दिया। ये है वेबसाइट पोर्टल, ये मेरे को नाम अच्छे से प्रनाउंस करना है, आप चेक कर लेना, ठीक है, इसमें जाके आपने ओपन कर लेना, आप अपने आप खोलेगा, एंड SPID जो बनानी तो इसमें चल जाना, पोस्टी इटालियन जहाँ आपने इसमें जाना, अरे पूरा IT तो आप अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एंड अब मैं ये बताता हूँ मेरा मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ, हमारे पास भी कुछ पोजीशन है, जैसे कि मतलब
एग्रीकल्चर में, डेयरी फार्म में ना, फार्म वर्कर के लिए हमारे पास अवेलेबल है इटली के लिए, बट 26 तारीख से पहले पहले अप्लाई होगा जो भी एलिजिबल होगा। एंड हम आपसे जब इंटरव्यू हो जाएगी उस जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे आपका कॉन्ट्रैक्ट हम आपके साथ कर लेंगे, एंड जब वीजा हो जाएगा उसके बाद पेमेंट लेंगे, पहले आपको पेमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये मेरा सिस्टम है। एंड और भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में और भी वीडियो देखो, काफ़ी वीडियो बनी है, आपको मेरे बारे में, मेरे काम के बारे में पता चल जाएगा। अगर मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो मेरे, अगर यूट्यूब में वीडियो देख लिया, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट में जाकर वेबनेट ज्वाइन करो, वेबनेट में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मेरे से कैसे कॉन्टैक्ट करना, वन टू वन करना, वो सारा चीज़ का ऑप्शन दिया। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक में देख रहे तो उसके बायो में मेरी वेबसाइट दी होगी emmanueljamesvijay.com, ठीक है, उसमें जाकर आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो के लिए एंड अप्रिशिएट करने के लिए। थैंक यू।